हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी, आज बिकॉज ऑफ संडे है और आज मैं आपको एक पेन स्पिनिंग बताने जा रहा हूँ। पेन स्पिनिंग देखिए फ़ायदेमंद कहाँ पे है, जैसे कि मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, पढ़ वगैरह रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन उस चीज़ पर पूरी तरह से बन जाता है जब आप पेन स्पिन करते हैं। ऐसा कहते हैं कि मस्कुलर तरीके से आप जब इस पर अपनी फिंगर्स पे पेन को रोल करते हैं तब आपका माइंड तक वो सिग्नल पहुंचता है और उससे आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। जैसे रिफ़्रेशिंग के लिए लोग कंप्यूटर चलाने लगते हैं, मोबाइल यूज़ करने लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आई थिंक कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा। और आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है आपके ऊपर और आप चाहते हैं अपने आप को रिफ़्रेश करना, तो आप बाहर जाएंगे, बिकॉज़ बाहर भी इतना शोर है, बड़ी सिटीज़ में इतना रश है, तो आप बाहर भी घूमने पे आपका मन नहीं करेगा। तो दोस्तों चलिए, तो अब हम पेन स्पिनिंग देखते हैं कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी तरह का पेन लेना है, वो आप कम से कम, ज़्यादा पतला मत लीजिए, ज़्यादा मोटा मत लीजिए। ये लिंग मैक्स का पेन आता है, ये मत समझिएगा मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ इसका, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पेन, और आप इसे लीजिएगा। जेल पेन है, लिंक मैक्स जेल पेन। इसे आप अपने हाथ पे फिंगर्स पे रोल कर सकते हैं। और इसे रोल कैसे करना है, जैसे कि आप देख चुके हैं थोड़ा सा इंट्रो, और ऐसे आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह होल्ड करना है पेन, इस तरह, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सिंपली आपको इस तरह ये दूसरी फिंगर जो होती है इसे से आराम से प्यार से यहाँ लाना, और ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ जो लाइन है इसके थोड़ा सा नीचे हो, यानी कि इस जगह पे पेन आए। यानी कि सबसे पहले आपको ऐसे पकड़ना है, देन आपको ऐसे करना है, तो देखिए लाइन के नीचे आई, ये लाइन पे आती है, लाइन से ऊपर ना जाए नहीं तो आपका पेन गिर जाएगा। देखिए आप अपनी फिंगर्स मिला सकते हैं कि ये फिंगर सबसे बड़ी है, ये और ले लगभग बराबर रहती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी रहती है, या ये थोड़ी सी छोटी रहती है, थोड़ी बराबर रहती है। कुछ लोगों की बराबर बिल्कुल ये और ये बराबर रहती है, कुछ लोगों की थोड़ी बहुत बड़ी छोटी होती है। तो आपको सिंपली ऐसे पकड़ना है और उसे ऐसे करना है रोल, और देन उसे आप फिर ऐसे करेंगे। आप लास्ट फिंगर पे भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि इन थ्री फिंगर्स पे करिए। आपका जैसे कि आप यहाँ तक लाएंगे तो आपको थोड़ा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे एक फ्लुएंसी में तब आपका होने लगेगा, लेकिन क्या है ना कि आप ये थ्री फिंगर्स की जो मस्कुलर थिंग होती है जो माइंड तक जाती है, ये जो है आपको माइंड को रिलीव कर देती है पूरी तरह से। जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ऐसे रखना है पेन, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, इस तरह पकड़ना है, इस तरह आपका रहेगा कुछ, तो पेन लिखते हैं इस तरह लिखते हैं आप, तो सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ा ऊपर हल्का सा पकड़ना है ऐसे करके, और देन आपको ये फिंगर से ऐसे पुश करना है। तो जाहिर सी बात है आपको ये तो पता ही होगा, आप कभी ना कभी इस तरह का आपने करा ही होगा, तो सिंपली ऐसे पकड़ना है, देन आपको ऐसे करना है, और देन आपको सिंपली जब आप इस फिंगर को पीछे ले जाएंगे तो पेन उधर जाएगा, और जब इधर ले आएंगे तब पेन इधर आ जाएगा, और ये लगभग बीच में है, देखिए लगभग बीच में है ये। तो आप सिंपली ऐसे करिए सेकंड और देन थर्ड स्टेप, कि यही सेम काम आपको इससे भी करना है। आप इससे भी चाहे तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसकी प्रैक्टिस से आपका बहुत ही अच्छा पेन स्पिनिंग का रूटीन बन सकता है। और ये इसके लिए जैसे ये आप करते होंगे इस तरह का, तो आप इस तरह का भी कर सकते हैं इस जगह पे, और देन आप इस तरह का भी कर सकते हैं, इस तरह करिए, तो आपका जो है वो जो फिंगर्स हैं उसकी मसल्स हैं, जैसे भी आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं, वो खुलेंगी, यानी कि आपका होने लगेगा ये पेन स्पिनिंग। और देन आपको ऐसे करना है, देन आपको फिर इस पोजीशन में ला के फिर आपको धीमे से फिंगर ऐसे कर लेनी, यानी कि मान लीजिए इस पोजिशन में है और आपको धीमे से फिंगर इस तरह कर लेना है, और देन आपको फिर इसे, जैसे मैंने आपको बताया, इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आप यहाँ ला सकते हैं या फिर इसे फिर से वापस सेम वही चीज़ से रोटेट कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ है ये पेन इस एंगल में, और आपको सिंपली ऐसे करना है, किस तरह, ऐसे, मैंने कहा था इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, और देन आपको ऐसे करना है, और ज़्यादा ज़्यादा आप एक साथ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, दो तीन बार करेंगे और पेन थोड़ा थोड़ा फिसलने लगेगा। ये जो है प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा देर तक कर पाएंगे कुछ लोग। दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक, और अगर आपको हमारे अच्छा लगा हो ये परफॉर्मेंस, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इस समय एग्जामिनेशन काफ़ी लोगों को चल रही हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो भाई बंदा कोई पढ़ रहा है उसके लिए स्ट्रेस कम करना हो तो वो इसे ट्राई कर सकता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर मैं पढ़ता हूँ और मैं थक जाता हूँ तो मैं इसे करता हूँ तो बहुत रिलीफ मिलता है। कम से कम 5 मिनट करिए, आपको अच्छा लगेगा, और ट्राई करिए इस फिंगर पे भी हो, लेकिन इन तीन फिंगर पे हो ही। तो थैंक यू गाइज़।
होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि और हमें किस चीज़ों पर वीडियो बनानी चाहिए और हमें कोई सॉन्ग सजेस्ट करिए जिसके ऊपर मैं पियानो प्ले कर सकूँ। फिलहाल मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए मैंने बनाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं उनको फ़ायदा हो इन चीज़ों से, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। थैंक यू गाइस।